Lesson 2. Nutrition in Animals. You have learned in Chapter 1 that plants can prepare their own food by process of photosynthesis, but animals cannot. Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms, including humans, require food for growth, repair and functioning of the body. Plants ही अपना food बना सकते हैं, इसलिए plants को autotrophs कहा जाता है. Animals अपनी food requirement के लिए एक या दूसरी तरह से plant पर आधारित है. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. एनिमल न्यूट्रिशन वो है जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत, खाने का तरीका और बॉडी इसे कैसे यूटिलाइज करता है, इन सभी बातों का समावेश होता है. यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स. ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो. चलिए हम फूड कंपोनेंट्स की एक लिस्ट बनाते हैं. जैसे आपको पता है, बताइए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर और रफेज एंड वाटर. द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड सच एज, सो they are broken down into simpler substances. Carbohydrates, जैसे कि whole grain, potato, fruits, इन सब को हमारा body directly utilize नहीं कर सकता. So, इनका simple substance बनना ज़रूरी है, जैसे कि glucose. यहाँ पे एक figure दी है, जिसमें एक फिगर है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, दैट इज अ चेन ऑफ सब्सटेंसेस, एंड दूसरी फिगर है सिंपल सब्सटेंसेस जो हमारा बॉडी आसानी से यूटिलाइज कर सकता है. इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से जो सिंपल सब्सटेंस बनता है, इस प्रोसेस को कहेंगे डाइजेशन. पॉइंट नंबर 2.1. Different ways of taking food. Animals जो है अपना अपना food कैसे खाते हैं, चलो देखते हैं. The mode of taking food into the body varies in different organisms. हर एक organism में, हर एक animal की food खाने का तरीका अलग अलग होता है. Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. Sorry. Suck, that means जैसे हम juice straw से पीते हैं, suck करते हैं, वैसे ही कुछ. Infants of human and many other animals feed on mother's milk. Children, जो mammals हैं, mammals group के जो animals हैं, वो अब उनके babies जो हैं, वो मदर के मिल्क पे सर्वाइव करता है. दे फीड ऑन मदर्स मिल्क. स्नैक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन. स्नैक है, ईगल है, वो ऐसे एनिमल्स हैं जो अपना प्रे है या जिस एनिमल का अपना जो फूड है उसे वो निगल जाता है. सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन them. Activity 2.1. What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observations in the given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. यहाँ पे हमें कुछ food मोड ऑफ फूड दिए हैं, जैसे कि स्क्रैपिंग, च्यूइंग,
siphoning, capturing and swallowing, sponging and sucking. और टेबल में हमें कुछ एनिमल्स की लिस्ट दी है, चलो हम मैं आपकी हेल्प करती हूँ. स्नेल काइंड ऑफ फूड हैं ग्रास और इंसेक्ट. मोड ऑफ फीडिंग इज स्क्रैपिंग. बच्चों मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ. एंट ग्रेन्स स्क्रैपिंग. ईगल फ्लैश कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग. हमिंग बर्ड नेक्टर सकिंग. लाइस ब्लड सकिंग. मॉस्किटो ब्लड सकिंग. बटरफ्लाई नेक्टर. सिफोनिंग हाउस फ्लाई. डिकेइंग मैटर स्पॉन्जिंग.